जगरुआ हाउ सामने वाला दुकानिया देखा था रे? हाँ देखा था निजा। हाउ ऊपर का माला देखा था रे? हाँ देखा था निजा। हाउ दरवाजा देखा था रे? हाँ हाँ देखा था निजा। दरवाजा तो बंद बा। अरे अरे तो हम तीन तक गिनती की ना और दरवाजा खुली पट से। का बात कर रहा था? हाँ देखा था मासा। एक दो रुका तीन। अरे वाह बनवारी, दरवाजा तो सही में खुल गया यार। अब देखिए आसन, चंदा आई बाल झटकारी असीधा हमारा तरफ देखी। हा तोरा के तो देख बे ना कहीं। अरे पागल वाला कासन, ऐसे कैसे देखी? अब तो हनी खड़ा रहला तो लजा गई लोई ना। अरे वाह रे बनवारी। हाँ तोरा चंदा के कौनो चक्कर तो नहीं खे? अबे मैं कौनो पूछे वाला बात बा का? अरे वाह गुरु हैं, पूरा गांव जवार के लेकिन जेकरा पीछे बड़ा सहन है उ तोरा पीछे लागल भैया का? अरे तो बनवारी चीज है ऐसा बाड़ रे। और आ गई ससुरा सनी के साढ़े साथी। का हो ए बनवारी, आ चंदवा कॉलेज चल गई का? हमरा से का पूछता रे? हम ओकर चौकीदार बानी का? अरे तो तोरा दुकान के गो कर मकान बा आते ओकरा के रोज आवत जात देखेली, ए सब पूछ दे तो भड़कत का बड़े। हट 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 हर। ए झगरू ए बुधौन एक बात बताई। बोला चंदवा कॉलेज नहीं खे गई? तोरा कैसे मालूम बा? ए हाउ देख ओकर सहेली हो जाओ तारी सा तो अकेले कॉलेज थोड़ी जाई। प्रभु प्रभु अबे हमें कौन बर्बाद बे, ये तो कौनो अनहरो बता दी। अनहर बता दी तोरा खानी बानर ना बता। हट हट ए चंदा। अच्छा अच्छा तू लो चंदा तोर सहेली आ गए सन रे। आवता नहीं बाबूजी। हेलो चंदा काल बा। बनवारी हम आओ तनी। आज ना आइलो? आई आई वो रोज आवेला ना वो आज हुआ आई। देखो चंदा कॉलेज आता रुका ना चिपरी थापे जाता नहीं। तोरा कॉलेज के स्टैंडर्ड इतना खराब हो गई बा कि तोरा के चिपरी पाथे के ट्रेनिंग दिया था। दूर करे ना। बड़ा बेशरम बा रोज छेड़ेला। रोज का वो तो हमरा के बचपन से छेड़ेला। तब तू ओके मना काहे ना करेलु हो? अरे ना हो हमरो भी मजा आवेला। काहे कि वो रोज हमके नया तरीका से छेड़ेला। ऐसे छेड़े वाला हम आज तक ना देखनी। तो वो तोहरा पसंद बा का? बात वो कहाँ अपन गांव के सड़ियल कॉलेज में पढ़े वाला आ हम शहर के हाई क्लास कॉलेज में पढ़े वाली। हमार मनपसंद लड़का तक कार में आई सूट बूट पहनी अंग्रेजी में बात करी। आओ डाइनिंग टेबल पे खाना खाई। का बे बड़ा ठोक के गेल रहले ताओ चंदवा नाने देले से भाव है ने आओ। अभी हमर भाव फिक से कहाँ भइल बा बेटा, लागत ता गीता होता ना पड़े लाई। और मैं स्पष्ट लिखल बा कर्म करते रहो बेटा, फल की चिंता ना ही करो। हमार काम बा कैल कर्म और फल देहल तो ऊपर वाला के हाथ में बा। बुझली रे भक्चोन हार। प्रभु जोखना ये साइकिल कौना के हारे? अरे जोखना ये साइकिल हमार हारे। ए जोखना जौना के भी हो
जल्दी हटावे के बोल। अरे जोखना, जब तक हमारा पूरा पेशाब ना हो जाए इस साइकिल ना हटी रहे। अरे जोखना, कितना देर लगी रे? आता देर में तो 10 कांटा खेत पाट गए रहे। अरे जल्दी हटावे के बोल ना तो ठोक दे। अरे जोखना, ये रोड़वा कोनो के बाप के ना हा। जब हमार मर्जी करी तब हटाई रे। ये बात बा है? अच्छा तो देख हम का करता नहीं। ये देख अरे रुक अभी बताओ तारी तोरा के। अरे तू का बताई बा, हम बतावा तनी। तार तंगड़ी लेके चीज दे तो भाग कर दे। अरे छोड़। अरे यार तू लोग जब भी मिलेला लड़े लगेला। अरे कबहू तो प्यार से रहा। अरे ये पंचर वाला संगे कौन प्यार से रही? अरे ते जोखरा चुप रहा, अभी एकरा के छट्टी के तू दिया दे। अरे एक को भी भंटा बोए वाला, हमरा जैसे बिजनेसमैन आदमी से लड़ाई करे के तो आर औकात नहीं खेरे। बारे एगो पंचर के दुकान खोल के अपन आप के टाटा बिल्ला बुझता रे। अरे का बात तोरा लगे, एगो बेटी ऊ तोरा के एक दिन छोड़ के चल जाए। अरे हमरा के देख, हमरा के अरे तीन तीन लड़का के बाप बनी, तीन तीन लड़का के का हट आइल बड़े। अरे यस सर, इतना शोर क्यों हो रहा है सर? रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल? हर साल रिहर्सल करते हो और कॉलेज का नाक कटवाते हो। यही लिए तक कर रहे हैं सर कि आपका नहीं कटे नाक। फालतू की बात मत करो, जाओ अपने अपने क्लास में और इस घंटी के बाद रिहर्सल करना। एक घंटी के बाद तो एक दूसरा घंटी चलेगा सर पान दुकान में। पान दुकान में? हाँ। फालतू बात मत करो, जाओ अपने अपने क्लास में। डाल दे। अरे एकरा के छोड़ किसान, चंदा के आवे के टाइम हो गई बा। चल 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 घबरा सो चल। ए बनवारी रे, चंदा गिल का कॉलेज से ए मुंह का टेढ़ा कर तरी रे। अगर आ गिल तो कह दे आ गिल, नहीं खेल तो बोल दे नहीं खेल। अकार के कब आवा तक के कब जाता, ई सब देखा खातिर दुकान खोल के बैठल बानी खा रे। और तो नहीं यहां भीड़ का लगौले बाड़ा रे। फालतू के लोग निकला यहाँ से। फालतू के करे के बोली हरे। अरे तोरा के बोली हरे, तोरा के निकाल बाहर। अरे निकल ना का निकला तानी बाहर। रुक निकला, रुक रुक निकला तानी रुक। हे किसान हो तो हर चंदा आ गेल हो। ए झगरू हेने आनरी का भेल तनी हमर साइकिल टेढ़ा करना। हो गेल। ओके चंदा। अरे कहा गुजर जाता रे? हमारा साइकिल का हैंडल टेढ़ा हो गया सीधा कदा। चल सीट के दर तू को भी भंटा बोए वाला गोविंद प्रसाद के बेटा हुए ना रे। हाँ समझा दे अपने बाप के। अरे वो कहा को भी भंटा बोए वाला एगो मामूली किसान और हम एगो बिजनेसमैन, वो बार बार हमसे टक्कर लेता रे। बड़ा सुंदर बड़े यार। कहा सुंदर है रे? तार दुकान का टायर बा, का ट्यूर बा, का रिंग बा, का सीट कमर बा। भाऊजी हमके 100 रुपए चाहिए। काहे रे? हमके सहेली लोग के साथ पिकनिक पे जाए के बा। तू जा काली ले लिया। तू काल काल बोल के टरका दिला, हमार सहेली लोग आवता लोग, हमके अभी चाहिए। इला चल जा। हाय हाय का ये स्टाइल बा? एकर स्टाइल रे तारा मोच के का मोच बता। तनी चंदा से पूछा ना वो कहाँ जाती है। हाँ बेटी चंदा। हाँ बाबूजी। अरे पिकनिक में कहाँ जाता रू बेटी? नदी किनारे जाती है। नदी किनारे। अरे रुक ते कहे पूछ ले रे कि वो कहाँ जाती है। तुहार बेटी चंदा ही है और जवान हो गई भैया, तो तुहार जाना जरूरी बना कि वो कहाँ होती है, कहाँ जाती है। सही बात बा, ये बात बा। बहुत मजा आई है ना? अरे हाँ ये लोग यहाँ कैसे? हो दे आगे लिसन रे। चलो चल के देखल जाओ। चलो एक किसान सब गुस्सा में नहीं आ वो तो रिसन। चल भागे के रे भाग। अरे रुका सा लड़की के खींच टाइट टाइट फीस साइड डाउन। ए तू लोग यहाँ का कर रहे ताड़ा? माछारी फंसा हुआ तानी लेकी है को ना फंसली सा। भगवान जाने को भी फंसी। चुप। देखा फालतू बात मत करो। हमने की यही जा पहले से पिकनिक के प्रोग्राम रहल, तू लोग भागा यहाँ से, भागो हटो।
हट हमनी के का हटी सा आ? तारा लोग के बैठे के बाद जा कहने कचरा पार्टी में बैठा लो बुझाई बोला तैसे बड़ी जैसे की जगह इनका बाप के हा ए हमरा बाप के नाम मत लाओ कुछ भी कह चंदा लेकिन जब तू खिसी आलू तो बहुत सुंदर लगेलू लगम ना भगवान हमके फुर्सत से बनावले बाड़े ओए होए 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 तहरा के फुर्सत से बनावले बाड़े हम का इंटरनेट से डाउनलोड होके आइल बानी का डाउनलोड होके आइल बानी का चुप रहो तहरा से तो मुंह लागल बेकार बा काले लग जा लौका हकाई चंदा चंदा को बात को ही कह ले बियाह के बाद तो तोहरे हाथ के बनावल हमरा खाए के बा तो बियाह के पहले सोचनी है कि अपना हाथ से बना के खिया देती हम तरह से बियाह करें रुको बता सानी दावा आवेदा हावा ए बाबू
ए चलान दिखाओ। रुको। आदमी बिना चलान के ट्रक लेकर भाग रहा था सर। पकड़ो इसे। गोदाम में स्टोर कीपर नहीं था? हाँ सर, पर वो और मैनेजर एक दूसरे के साथ मिले हुए सर। मैनेजर कहाँ है? जाओ जल्दी से उसको मेरे पास लेकर आओ। जी सर। मैनेजर कहाँ है? पता नहीं सर, ढूंढो उसको। जी सर। इतनी बड़ी चोरी हो रही है, मैनेजर, स्टोर कीपर, गेट कीपर सब आपस में मिले हुए हैं, और तुमको बेटा इस बात की जानकारी भी नहीं है? कैसे संभालोगे इतने बड़े बिजनेस को? सॉरी पापा। सर वो मैनेजर भाग गया सर, मैंने पुलिस बुला लिया सर। ये सिलसिला कब से चल रहा है? सर ठीक से तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है काफी दिनों से चल रहा है सर। एक बार मैनेजर ने मुझे रिश्वत देके खरीदने की कोशिश की थी, मुझे तभी डाउट हो गया था सर। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? सर उस वक्त मैं नया था, अगर बिना सबूत के उस पर इल्जाम लगाता तो आप भी मेरा यकीन नहीं करते, इसीलिए सर मैं छुट्टी का बहाना करके आज काम पे चला आया और उनकी चोरी पकड़ी गई। तुम्हें बहुत चोट लग गई है, जाओ किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। जी सर। रामप्रसाद। जी सर। आज से तुम इस फैक्ट्री के नए मैनेजर हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे काहे यहाँ पर तेरी धमाके में मरी बका। अरे हाउ देख ए चन्ना, अरे आज तो तू सूरज नियन चमकतारू हो। ठीक से लाइनों मारा नहीं खाओ तेरे झुंझुना, लगाओ चुना, देख लाइन क्या मारा जाला। हाय चंदा, एक तो हाई हिल के सैंडी, दूसरा ओढ़नी में नींद। अरे तू ताज हमार ले गलू दी। चौबीस घंटा देखते रही
खानदान और स्टेटस का ख्याल रखिए बाऊजी। पैर के धूल से माथे पर तिलक नहीं लगाया जाता। सारी दुनिया का तजुर्बा है बहू मेरे पास। पायल हमारी लाडली बिटिया है और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम उसकी शादी अच्छे खानदान में करें तो जिंदगी भर खुश रहेगी। फिर राम में कमी क्या है? पढ़ा लिखा है, शरीफ है, हमारी जात का है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हमारा नौकर है। हमारी बिटिया को दुख देना तो बहुत दूर की बात है, वो हमारे सामने नजर उठा के भी बात नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है पायल की माँ? देखो जी, हम सब की खुशी इसी में है कि पायल को एक सच्चा जीवन साथी मिले, और मुझे लगता है कि आप पायल के लिए एक वर नहीं कोई गुलाम खोज रहे हैं, जैसे कोई सौदा कर रहे हैं। और सौदेबाजी की नींव पर बने रिश्ते कभी नहीं टिकते। अगर आपको लगता है कि राम पायल के लिए सही रिश्ता है, सही वर है, तो उनकी शादी कीजिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए और उन्हें विदा कीजिए, सौदा मत कीजिए। ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, पहले पायल उसे पसंद तो कर ले। आओ आओ राम, आओ बैठो। थैंक यू सर। आज मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाता हूँ। ये है मेरी धर्मपत्नी जी, नमस्ते। खुश रहो। और ये मेरा बेटा संजय, इनको तो तुम जानते ही हो। और ये मेरी बहू सुजाता, नमस्ते। और ये मेरी लाडली बेटी पायल। तो आपने मुझे किसी काम से बुलाया सर? देखो बेटा, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बेहद प्रभावित हूँ और मैं तुम्हें अपने परिवार में शामिल करना चाहता हूँ। जी सर। मैं अपनी लाडली बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश में हूँ, और तुमसे अच्छा वर कौन हो सकता है? देखो बेटा, इसे इनका आदेश मत समझना। तुम जो भी फैसला करना, सोच समझ कर करना। ऐसी बात नहीं है माँ जी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन ऐसे फैसले बड़े बुजुर्ग करते हैं। अच्छा हुआ कि आप लोग मेरे बाबूजी से बात कर ले। प्रणाम। नमस्कार। एली, चाय ली। थैंक यू। पी। हमार तो भाग खुल गई कि रउआ जैसे बड़हन आदमी के घर में हमार बेटा के रिश्ता तय होता। हमनी के तैयार बानी, बस रहुआ आदेश करी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हम तो ठहरे लड़की वाले, आदेश तो आपको करना है। ऐसा कीजिए, पंडित जी से दिन और तारीख निकलवा करके मुझे खबर कर दीजिएगा। जैसा रहुआ कहीं। जी जैसा भी हो, आप मुझे जल्द से जल्द खबर कर दीजिएगा, ठीक है? अरे सूरज भान जी, रहुआ यहाँ। अरे ललन जी, नमस्कार। 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 अरे रहुआ एने कहने आयल बानी। अरे मेरी बेटी पायल को तो जानते ही हैं आप, गोविंद प्रसाद जी के बड़े बेटे के साथ उसकी शादी का रिश्ता तय करने आया था मैं। अरे एकरा बेटा के छोड़ के रहुआ और केहू ना मिलल। ये क्या कह रहे हैं आप, इनका लड़का तो बहुत होनहार है। बेटा तो होनहार बा, लेकिन बाप तो गवार बा। ओकर का? अब रहुआ एने आयल बानी तो तनी हमरो घरे चली। देखिए ललन जी, अब गोविंद प्रसाद जी हमारे समधी बनने वाले हैं, तो यहाँ हमारा आना जाना तो लगा ही रहेगा। मैं अभी जल्दी में हूँ।
फिर कभी आ जाऊंगा। नमस्कार 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 नमस्ते। इतना बड़ा गाड़ी में क्या ही रहल हो? अरे वो हमारे रिश्तेदार रह लेना। चुप कर दे। तोहार रिश्तेदार रहे तो गोविंद प्रसाद घरे काहे आयल? अरे बात ई बात बतावा बतावा, तोहार रिश्तेदार हमरा घरे काहे आयल रहले है? ला हम बता देता नहीं, एकर रिश्तेदार हमरा बेटा संगे अपन बेटी के रिश्ता जोड़े खातिर आयल रहले है। अरे हमरा घर तो कार वाला लोग आवेला और ये पंचर वाला के बेटी खातिर कौनो साइकिल वाला भी नहीं खेजात। अरे चुप रहा। अरे ये ससुर खटारा ट्रैक्टर वाला कबो बाप जन्म में कार देख ले ना रहे, एगो कार इनका घर के आगे आ गई तो ये पगला गेल बड़े। अरे सुना, हमरा बेटी खातिर लड़का वाला के कमी नहीं खे। अरे हमरा बेटी खातिर तो हवाई जहाज वाला सब आवले सन, वो तो हम मना कर देता नहीं कि हमार लड़की अभी ब्याह खातिर तैयार नहीं खे। वाह बोला बेटा बोला, हम ये दोनों जना बैठले बानी लपेटे खातिर। कहता कि हमरा रिश्तेदार हवन। अरे कहे कि तोर रिश्तेदार बड़े रे, हाँ हमरा घर तो बिना बुलावले आईले और तोहरा घरे बुलावला के बाद भी न गईले। ए माई माई रे, ए माई 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 बोला। 50 किलो लुआ, 50 किलो प्याज और 50 किलो दाल लिया देनी। हाँ। और भतवानी खाते मिस्त्री के भी बहना दे देनी। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, एक कनिया के सगुन का सामान बात छूट गेल रहे, ले जाके पहुँचा। अच्छा। और रास्ता में से 1 किलो निमन मिठाई भी खरीद लिया, बुझाइल और जल्दी आई है, बहुत काम बा। या। काम बन गयी। कैसे? यही बहने भौजियों के दिख ले जाये। चला सा सामान उठाओ सब। ए भाई यही ड्रेस में जाइबा, तनी बढ़िया पहन के आवा। ए भौजी के देवर, आप देख हमार देवर। अरे तनी बढ़िया पहन के आइया, ससुराल वाले बहुत दैनिक बाटे सन, कहीं नाक ना कट जा। का भई आप तो हमें ही कपड़ा बजाई, काहे हम जाई? काहे हम जाई? सामान उठाओ। रेडी? ओके चल चल। मालकिन मालकिन, ये लोग पायल दीदी के ससुराल से आइल बा लोग। हां आओ बेटा आओ, बैठो आओ। प्रणाम माजी। खुश रहो खुश रहो, बैठो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जी हम राम भैया के सबसे छोट भाई है, हमार नाम किशन है, झागर है, बुधना है। अच्छा। हम लोग साथ में पढ़ते हैं, परीक्षा भी देते हैं और हर साल फर्स्ट आते हैं। पीछे से और इस साल भी घिच घाच के फर्स्ट लाइए देंगे माँ जी। पढ़ाई का बहुत लोड है, दिमाग में दर्द हो गया है, ललटेन जड़ा के पढ़ते भी है माँ जी, टाइम बिल्कुल नहीं है माँ जी। लेकिन माई बोली ना, सगुन का सामान छूट गया था तिलकवा के दिन, तो इसको पहुंचाओ। तो हम सोचे कि चलो भाई टाइम निकाल के चलते हैं, और हम आए हैं लेकर, और इसी बहाने भौजी को थोड़ा देखियो लेंगे ना। ठीक है गोवर्धन जी। मालकिन ये शगुन का सामान है, इसे अंदर ले जाकर रख दो संभाल के। ठीक बा। अरे ये कचरा लेके कहाँ जा रहे हो? रखो यहाँ पे, दिखाओ क्या है इसमें। बहू ये शगुन का सामान है, इसे अंदर ले जाकर देखो। इसमें देखना क्या है माँ जी, सड़ा हुआ मेकअप का सामान ही तो है, कोई खजाना थोड़ी ना है। चल रहा है। नाश्ता तो करके जाओ बेटा। माँ जी अब राउर नाश्ता वही दिन करब जहिया परात लेके आई। ऐसे कैसे जा रहे हो, अपनी भाभी से तो मिल लो। अब भाभी सोह दिन मिले जहिया परात लेके आई, और ऐसे भी उकरा मुँह में कोनो खजाना नहीं खेला। ए चंदा के माई। का हा जी? आई देखा शादी के कार्ड आइल बा। कहां से जी? सूरज भांजी के घर से। कितना सुंदर कार्ड बा, ये तो पायल दीदी के शादी के कार्ड है। पायल दीदी की शादी में कितना मजा आई ना बाबूजी, कब जाए बताई ना। कोनो जरूरत नहीं के वहां जाए के। कहे जी? काहे का? ओ गोविंद प्रसाद हमके फुटलो आकना सोहाला, ओकरा बेटा संगे अपना बेटी के ब्याह कराता हूं। एही से हम ना जाए। ओइसे रहुआ के का करे के बा? अरे सूरज भान हमरा सगे बुआ के लड़का हवन, और हमने सब ना जाइब तब बुरा मान जाइए। आपने मुझे बुलाया? हाँ संध्या कह रही थी कि तुम किशन को जानती हो। हाँ दीदी अच्छी तरीके से। तुम उसी के गांव में रहती हो? नहीं दीदी वो हमारे पड़ोस के गांव में रहता है। अच्छा कैसा लड़का है वो? एक नंबर का लफंगा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
चंदा आज बड़ा खुश नजर आओ तरु का बात लगता कि आज तोहरे बिया होता खुश ना रही तका उदास रही इहा एगो तू ही हमके देखे वाला थोड़े बाड़ा बहुत लोग बा देखे वाला एगो चेहरे के कतना लोग के देखैबू घूम फिर के हमरे लगे आइबू हमरा लगे मोहब्बत के गम नहीं खे आ तू हमके संभारा इ तहरा में दम नहीं खे ए तोहरा के का अगर चाह दिना त तोहरा साथे साथे सब जनी के रस निकाल दे हट तहरा से तो मुहे लगावल बेकार बा मुहे ना लगैबू तो मोहब्बत के लेमचूस कैसे बा प्रभु बैठा ए बुड्ढे अंधे हो क्या दिखाई नहीं देता कचरे का डब्बा देहाती गंवार कहीं का प्लेट उठा और रख इसमें जी ना काका प्लेट के हाथ मत लगाइया हमनी के बराती है जा केहू के बाप के नौकर ना ए मिस्टर तमीज से बात करो तुम एक तो खाने का सहूर नहीं ऊपर से बदतमीजी से बात करते हो अच्छा तो हमनी के खाए के सहूर नहीं खे दरअसल बात तो ई बाकी तोहरा लोग इनके खियावे के सहूर नहीं खे एगो तब पे फैलो सिस्टम रख ले बड़ा लो अगर इतने तमीज रहित ना तो पाट में बैठा के अपना हाथ से परोस के खियाता लो बहू ये क्या तमाशा हो रहा है देखिए ना बाबूजी एक तो जानवरों की तरह खा रहे हैं ऊपर से कुछ कह दिया तो बोलते हैं कि परोस के खिलाओ अच्छा तो हमनी के जानवर है जा ए भाई लोग सुना लो प्लेट नीचे रख दलो अब तो हमनी के पात में बैठब जाई परोस के खियाई है ए किसनवा चुप तोरा छोट बड़ के लिहाज नहीं करे चुपचाप खाना खा और शांति से पिया होके दे नहीं समझी जी किसन ठीक बोल रहा है बहू सबको परोस कर खाना खिलाएगी मैं और परोस के खिलाऊंगी परोसेगी मेरी जूती बहू ए भाई लोग आप तो ही परोसिया हमनी के बैठ के खाई जाई पतल ठीक बानू रे भैया खाना ठीक बानू रे भैया अखिया वाली ठीक बाड़ी नू हां भैया राह भैया बनानू लड़ाबू प्रभु ई खाना खियावतिया की ईंटा से कपार फोड़तिया रे भगवान विष्णु मंगलम करुणा जय मंगलम पुंडरीका जय मंगलायतनो शादी ब्याह बहुत बढ़िया से हो गई समधी जी मेरी बेटी कभी गांव में रही नहीं है इसलिए उसे गांव के तौर तरीके मालूम नहीं है जैसा कि अभी खाने को लेकर समस्या हो गई मैं नहीं चाहता कि आपके यहाँ भी इस तरह की कोई समस्या हो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सुजाता को उसके साथ में दो चार दिनों के लिए भेज दूं। समझी जी हमरा घर में पायल के कौनो दिक्कत ना हुई फिर भी रहुआ दो चार दिन खातिर अपना बहू के हमरा घर में भेजल चाहता नहीं तो हमरा कौनो दिक्कत नहीं है घुसाओ तो सर नहीं घुसता इतने छोटे से घर में तुम रहोगी कैसे हम कौड़ी डालत आनी तू दोनों जना में जे पहले कौड़ी निकाली उहे जीती तो हो जाए डाला तहीला एक मिनट भैया एको बात जान लो कि अगर कौड़ी तू पहले निकाल लेला तो पूरा जीवन तू आर गुलामी भौजी करी है अगर कहीं भौजी निकाल लेली ना तो पूरा जीवन तोहरा करे के पड़ी गुलामी 1 2 3 कदा फिरी आप चिंता कैला के बात नहीं क्या भैया आप तो पूरा जीवन तोहरा इशारा पर भौजी नची है ये तो वक्त ही बताएगा देवर जी कि कौन किसके इशारे पे नाचता है चलो भाभी ए पायल भैया हो गए घायल प्रणाम खुश रहो बाबूजी जीवन में पहली बार पायल हम लोगों से दूर हुई है घर एकदम सूना सूना लग रहा है हम चाहते हैं कि पायल को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ जाने दीजिए प्लीज कौनो बात ना बबुआ ले जा
अब तो आयल गई लगले रही। मैंने कहा था ना ठीक है ठीक है। साफ सिस्टम ही करना कालिए मका हो। भाभी चलो। लागत था कि गांव भागे अटाई है खाले छाती के बाती तुर दालस। अरे भाभी रिलैक्स, आप फिकर मत कीजिए, आपके इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगी। खुशी प्रणाम। प्रणाम। खुश रहो। खुश रहिए। आओ चलो चलो। आइए आइए आइए। ये लो। अरे क्यों हंस रहे हैं नंदोई जी? कुछ नहीं, वो झगड़ू कह रहा है कि भाभी बहुत सुंदर लग रही है। लीजिए दामाद जी, अमरूद खाइए। जी नहीं, बस बहुत हो गया ये। बस नहीं, अभी तो शुरुआत है बहनोई जी। जब से आया हूँ तब से तो खा ही रहा हूँ। अरे खाएंगे नहीं नंदोई जी, तो खाते पीते घर के दामाद कैसे लगेंगे? अरे दामाद बाबू आओ बैठो। अरे तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है। नहीं बाबूजी, वो मामूली सी सर्दी खांसी। मामूली? अरे दवाई वाई ली कि नहीं? अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है हरीश, जाओ साहब के लिए दवाई लेकर आओ। नहीं रुको बाबूजी, आप चिंता ना करें, मैंने दवाई ले ली है। अरे चिंता कैसे नहीं करूं? देखो ये जो तुम रोज रोज ना गाँव से बाइक में फैक्ट्री तक आना जाना करते हो ना, धूल धक्कड़ खाते हो, उसी का नतीजा है ये। मेरी सलाह मानो, ये रोज रोज आना जाना बंद करो। तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो अपने घर में, और छुट्टियों में बीच बीच में अपने गांव चले जाना। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें घर जमाई बनाना चाहता हूँ? नहीं बाबूजी, मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, लेकिन मुझे बाबूजी से पूछना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा भला चाहते होंगे ना, तो भी यही सलाह देंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ कह रही थी कि आज सुबह से तुमने कुछ खाना नहीं खाया है। तुमने बाबूजी से बात की? कौन सी बात? राम, पापा ने तुमसे कुछ कहा था। वो बात तो हम कल भी कर सकते हैं ना। मैं कुछ नहीं जानती, अब भी जाके बात करो। कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ? मेरा कहने का मतलब है बाबूजी अभी सो रहे होंगे, वो बात तो हम कल कर लेंगे, आज तो हम बाबूजी। ए बाबूजी। हाँ? क्या बात है बेटा? ना ना कुछ ना रवसुती, हम कल बात करेंगे। है ना, बैठ। अरे बैठ। हाँ का बात बा बोल। ओ बाबूजी, पायल के पिताजी कहत रहलन ह। ना ना कुछ ना, हम कल बता। साफ साफ बता का बात बा। ओ बाबूजी, हमरा खांसी हो गेल बेटे, तरा ओ समधी जी कहत रहलन कि इतना दूर से आवा जाए में तबीयत बिगड़ जाई, तो तू शहर में रह जा, छुट्टी मिली ना तो घरे चल जाई। तो तू का कहला? तो हम का कहती? हम कहनी ना कि बाबूजी से पूछ के बताएं। तो यही बात बा। ठीक बा, तो जा कल बात कही जाई। ठीक बा, ठीक बा, कल बात कर। जा। बाबूजी ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं? मेरा मतलब है कुछ नहीं। पायल, 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 पायल। गोवर्धन, गोवर्धन चाय, चाय, चाय। इतने सवेरे चाय? चाय हमरे बनावे के पड़ी, लेकिन क्यों देख ली तो कचरा हो जाए भाई। लिया हो चाय क्या करा खाती भैया? अपना खाती रे। लेकिन तू तो चाय ना पिया तला हो। कबो कबो पी लेवे नी। लिया हो तनी। भाई लोग, ये पहले रहले हैं हमर भाई, आ जब से आयल भी है भौजी तब से बन गेल बड़े दाई। अरे वाह, च
चाय तो बहुत अच्छी है, किसने बनाई? मैंने बनाई। मैंने बनाई। बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने, अब से तुम ही बनाना। सुनो ना, मेरी ना सैंडल टूट गई है, प्लीज जुड़वा दो। थैंक यू। का भैया कहाँ बाजार जाता नहीं? जोड़वा में कहाँ? जोड़वा में कुर्ता पजामा हाँ, सियावा जाता नहीं, फाट गिल बा। इतना छोटा कुर्ता फाट गिल, ऐसे छोटा हो गिल बा हो। एको काम करी हा, दर्जी से मत सिवो यहाँ ना, तो कर सुई टूट जाई, मोची से सिवाली हा। भाई लोग, अब हमरा बुझा गल कि हमर भाई सच में दाई हो गल बा। माई हमनियों के खनवा ले आई। अरे ले नी ले। अरे दुल्हन कहाँ पड़ी हो, लौकत नहीं की? माई हम तो सोच ले रहे कि आज भौजी के हाथ का खाना खाए के मिली। अच्छा, नया नया दुल्हन आइल बिया, अब अहीं ओकरा के जुलाहाड़ी में घुसा दी। खा तू लोग, हम ओकरा के खाना खिया क्या होता नहीं। दुल्हन, आप किससे पूछ के अंदर आई? क्या आपको पता नहीं है कि किसी के भी कमरे में अंदर आने से पहले नॉक करके आना चाहिए? कहा करके आओ चाहिए दुल्हन? नॉक करके मतलब दरवाजा खटखटा के। माफ करा दुल्हन, रोज आवे जाए का आदत रहल, यही से ना बुझेल। आगे से दरवाजा खटखटा के आई। खाना रख दीजिए, खा लूंगी। बहू, ये क्या बदतमीजी है? और ये खाना कहाँ फेंक देलू? ये कोई खाना है? ऐसे खाने तो हमारे घर के कुत्ते भी नहीं खाते। भाऊजी, हमने यहाँ खाना इंसान खाती बनेला। अगर तोहरा कुकुर वाला खाना पसंद बना, तो काल से खाना कुकुरे वाला बनी का दिक्कत बा? किशन, जवान संभाल के बात कर। देखा दुल्हन, अन्न का अपमान ना कर जाला बिटिया। तोरा के खाना पसंद नहीं है तब काली से तोरा पसंद का खाना बना दे। उलकरब कौनो जरूरत नहीं है अलग से खाना बनावे के। जेकरा के खाना पसंद नहीं है वो अपन खाना खुद बना ली। चाय बना तो ही बना करेला तो खाना कहाँ से बनी? देखो, जुबान संभाल के बात करो। मैं इस घर में इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊँ। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। तुहार कहे के मतलब का बा भौजी? माई हमने खातिर खाना बनावे ले, ते का हमनी का नौकरानी हो गई? वो तुम्हारी क्या है ये तुम ही जानो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। भौजी, तोहरा का हमनी के बियाह के लिए बनी सा हमनी के भौजी कहले सा और ले बेटी कहला, और जब तक ले रिश्ता बा तब तक ले पूरा लेना देना बा। तुम तो मुझसे बात ही मत करो, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तू देखा चाहे मत देखा, हमरा पर कोनो विशेष फर्क पड़े वाला नहीं के। लेकिन एगो बात कान खोल के सुन ला, तू ये घर के बहू हो और बहू जैसन रहे के परी। ओह, तो तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे रहना है? सब सीखे के परी, केकरा से कैसन बात कइल जाला और कैसन व्यवहार कइल जाला। भौजी, हम ये घर के मर्यादा के नहीं की भुलाई, न तो हाथ उठावे हमरो आवेले। किशन, ये सब का होता? राम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए और तुमने सब अपनी आंखों से देख लिया। देखा, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर वाले मुझसे कैसा कैसा बर्ताव करते हैं। हे बिटिया, बिटिया बात सुना, बात क्या के मत बढ़ावा, ऐसा छोट मोट बात था हर घर में होता रहला। ये छोटी मोटी बात है, सिर्फ थप्पड़ मारना ही तो रह गया था, बाकी सब कुछ तो कर ही चुके थे आप लोग। देख किशन, ते सच सच बताओ, का कह ली सब भौजाई का साथ? हमसे का पूछा था, इनका से पूछा? अरे एकरा से का पूछी, एकरा तो एक दिन में डाबली घर में आईला। और देख, तोरा के हम अच्छा तरह से जानता नहीं, तेही कुछ कहिलो बे। वाह भैया वाह, एक दिन में तू भौजी के तरफदारी करे लगला। हमने के इतना दिन के प्यार पर भौजी के एक दिन के प्यार भारी पड़ गई। राम, बिना जान ले सुन ले तोहार हिम्मत कैसे भइल अपन छोटे भाई के ऊपर हाथ उठावे के? ई काम तो तोहरा करे के चाहिए बाबूजी, ई इतना देर से अपना भौजाई के साथ बदतमीजी करता, आज तू लोग बैठ के तमाशा देखा था? अरे तमाशा के करता, ई छोड़,
ई तमाशा काहे होता ई हम अच्छा से जानता नहीं। बेटा तोरा ई घर छोड़ के जाए के बा ना त जा, बाकी जाए के बहाना मत खोजा। अरे कैसन बात करता नहीं राम के बाबू। अरे तू चुप कर। ई तोहार बेइज्जती कैले सिया त हम चुप रहनी हा, अपना दूनो देवर के बेइज्जती कैले सिया त हम चुप रहनी हा, ई हमार बेइज्जती कैले सिया तो भी हम चुप रहनी हा। अरे बिना गलती के अपन छोट भाई के ऊपर हाथ उठा ले ई हम बर्दाश्त नहीं की कर सकत। बेटा तोरा रात के बात याद बानू कि तू हमरा से काब बोलला कि तोहार ससुर तोहरा के घर जमाई बनावल चाहता रहे, तो हम तोहरा से का पूछनी, तू का जवाब देला तो तू कहला कि बाबूजी से पूछ के बताए। अरे हमरा के तो तभी पता चल गई कि तोहार मन में खोट बा, ना तो तोरा बाबूजी के आड़ के जरूरत ना पड़ी। अरे तू तो खुदे सीधा जवाब दे सकत रहला पर ना? ठीक बा, तोहरा जाए के बा ना प्रेम से जा, पर हमारे एक बात याद रखिया, घर जमाई के हालत धोबी के कुत्ता से भी बदतर होला। अब तो इन्होंने तुम्हें कुत्ता भी कह दिया, फिर भी तुम यहाँ खड़े हो, न जाने कैसे मर्द हो। पायल, पायल, पायल। जब से आन भाईल घरे आइल मेहारी के बूझे लागल लखियां के पुतरी। राम भाई मेहंदी मावर के छूटल नाही रंग हो, घरे में पतोहिया मचावे लागल जंग हो। बेटा कर जन भुलाई हा ए भाई माई बाप के, जन भुलाई हा ए भाई माई बाप के। जोखना घर में सब ठीक बानू? ठीक बा। हैं सुननी हाँ, नया पतो आइल बाड़ी, घर में सब ठीक बानू? का बात करता रहो, काहे ना ठीक रही? अरे हमार पतो तो लाखों में एक भी है, लाखों में। अरे ना ना, हमरा गांव में एक आदमी करोड़ों में पतो ले आइल बाड़े, मर्सिडीज में सर दे आइल और स्कूटर में फर दे चल गईल। अरे केकरा के सुनाता रे? अरे सुनाबे के का बारे झंटा? समझदार खातिर इशारा काफी होला। कार जोगना हम ठीक कहता नहीं ना? अरे चुप रह बोखरा। अब देख लेकर के कवाय खातिर बाहर जाके पड़ी की ना, अब एकर मतलब ये तो ना होला कि लड़का अपना माई बाप के भुला जाइए सर। अब घटिया आदमी के घटिया सोच का रे जोखना? अरे ज्यादा भोई भोई करे आइल बड़ा तो भोई भोई करा। अरे हमार माथा काहे खराब कैले बड़ा? अरे हम तोरा के बात मत देख रे। अरे तू हमरा के का देख रे? हम एजा जो ए जी देखो ना, मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? राम आप ऐसे क्यों खड़े हैं? सोहन के बारे में सोच रहा था, उसका कॉलेज का फीस हॉस्टल का फीस सब मैं ही जमा करता था ना। सोहन फाइनल ईयर में है, आज उसके एग्जाम के फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। सोहन तो हॉस्टल में रहता है, पता नहीं ये बात बाबूजी को याद भी होगी कि नहीं। छोड़िए ना, वो हमारे बारे में कहाँ सोच रहे हैं जो आप उनके बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं साड़ी में कैसी दिख रही हूँ? बिल्कुल उस मेनका की तरह जिसने विश्वामित्र का सत्यानाश कर दिया। सही बात है। सोहन तुम चलो, मैं आता हूं। ओके। का बात बा भैया? हाईला तार कॉलेज के फीस रह दे भैया, एक जरूरत नहीं खे। काहे फीस ना भरबा तो परीक्षा कैसे देबा? तो का भेल भैया,
ज्यादा से ज्यादा एक साल खराब हुई ना होके तो तुहर पैसा के हाथ लगावल हमरा खातिर पाप हुई भैया। वाह बेटा वाह, ओकर पैसा लौटा के आज तक हमार मान रख ले ले। अरे हमार तक छाती जुड़ा गिल रे। ला हमरा जीते तोरा फिकर करे के कौनो जरूरत नहीं खे, ठीक बा? बाबू जी करम फूटा सत्यानाश होतो। तू अरा मुझौसा मुझे रहो ना, तेरा अखिया में कच्चा फूट गेल बकारे हां लौकत नहीं खे। हमारा तो लौका ता हमारा गुलिया का थोड़ी लौका ता ना तक अगर कट के निकल ना जाई। गुलिया के जैसन तू अनहर हो गेल बाड़ा। कहां समहु अनहर आती ता गुलिया के जैसन तोरा में सट जाईती। सटे के इतना शौक बना ता हमरा घर पे हमरा बाबूजी से हमार हाथ मांग के दिखावा, तब जाने कि कितना बड़का हीरो बाड़ा। तोरा घरे आब तोहर हाथ मांगब तोहरा बाबूजी से, और अकेले नहीं आएंगे हम, अब पूरा बराती के साथ आएब। अरे जरे ढोंगी जो एक काल बारह बजे एक काल बारह बजे। अरे हाल रे जो। अरे अब ठीक बानू प्रभु। ए काहे हाल बड़े रे? मांगे आयल बनी। का मांगे आयल वाले? पहले ही बताओ जोन मांगे तो दे देबो। अरे पहले तू ये बताओ कि का मांगे आयल वाले रे। अगर बता देब ना तो तोरा बुखार लग जाई तार फड़ा के हिच गिर जाई। बताए के बात बता ना था, भाग यहाँ से। मांगे देबो सही में। अरे पहले ही बता ना का मांगे आयल वाले रे। हम तो चंदा मांगे आयल वाले। चंदा मांगे हट। अरे तोर इतना हिम्मत ते हमरा से हमार बेटी के मांगे आयल वाले? अरे ना मर दे, हम तो दुर्गा पूजा के चंदा मांगे आयल बानी। दुर्गा पूजा के चंदा मांगे आयल? अभी दुर्गा पूजा का बारे तो दे दे हमनी के मना लेब संग। अरे तू भाग जा, हम कोनो चंदा ना देब। हम तो चंदा लेके रहब, हम लेके रहब, हम लेके रहब, हम लेके रहब, हम लेके रहब। भाग गईल ते का देखता रहे, चल भीतरी। अरे रुका दे तनी फ्री में पान खा। प्रभु प्रभु अरे यार हमरा तो विश्वास ही नहीं के होत, आज पहली बार चंदा हमरा के देख के हसल बड़ी पगलाइल बड़े कार है। अरे तोरा के ना हमरा के देख के हसल बिया। तोरा के तक कुतियो ना देखी, हादसे के बात करता। हट हट हट। अरे यार आज चंदा हमरा के देख के हसली, कहां जाय रे, का करी रे? ये हो जाना ना ए दीवाना से फंस गईलु हमरो ऐसने लागता। ये हो जाना ना ए दीवाना से फंस गईलु ऐसन तू हंस गईलु दिलारे में फंस गईलु ऐसन तू हंस गईलु दिलारे में फंस गईलु। La 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 la
सोना। अरे भरलू रंग मोहब्बत के तू भाचल न कवनो कोना। अरे सुनो तारू हो काजी। अरे किशनवा अपना रिजल्ट के बारे में कुछ बताओ का? ना हमरा के तो कुछ नहीं के बतौले, हो सकला ओकर रिजल्ट ना निकल होके। वाह ओकर साथ दोस्त मिठाई बांटता रसन कहा बा किशनवा। का रे तोहार रिजल्ट निकल गई? हाँ निकल गई। का भाई का होई? फेरू फेल हो गए नी। अब देखे तारू फेल हो गए और फोपिया खाता तो का कर यहाँ फेल हो गए तो खैला पीला मारी का पूछला तो बता देनी। हाँ को हमारे हमार लटिया ए किशनवा चुपचाप हमार लटिया दे दे रे। आज बताओ तनी तोरा के हमनी के फेल भेले के रिकॉर्ड तो बनिया गेल हो। ए किशनवा बार बार फेल होला तब तोरा शरम ना आवेला। अब तोर पढ़ाई लिखाई छोड़ा के तोरा से खेते जुतवाई। जाओ जब कह रहे कि खेत में काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अच्छा ले भौजी देखिए हमको घर में ले जाके खूब मारिए ना लेकिन के सामने मत मारिए। अरे करिए के देखे के चक्कर में तो फेल हो जाले रे। हम कह रहे कि महिलाओं के सामने मत मारिए हमारा भी प्रतिष्ठा है। अरे बाहर है तोर प्रतिष्ठा बाबूजी। बाबूजी हम पास हो गए नहीं बाबूजी पूरा कॉलेज में फर्स्ट आइल बानी बाबूजी। वाह देख ये फर्स्ट आइल बा अत फेल हो जा रहे तो कहा नहीं फेल होंगे हम। हमारे ऊपर सब लड़की समाज का लोड है इनका ऊपर कल्ची का लोड है। बारे बहुत तू मुख्यमंत्री के इलेक्शन लड़ता रहे ना रे। ए चुप ए ये तो नालायक बा बेटा पर तू तू हमार नाच बाड़ा। अरे राम के माई अरे कहाँ बाड़ू। अरे राम के माई सोहन के रिजल्ट निकल गई और ये पूरा कॉलेज में फर्स्ट आइल बा। हाँ बेटा। हाँ माई। अच्छा अब देखिए सोहब हम एक गांव में अब बड़ा दुकान खोलब। हाँ और वो दुकान में हमारा बेटा के नाम यह बड़ा बड़ा अक्षर में लिखल हुई डॉक्टर सोहन प्रसाद MBBS। ना बाबूजी वैसे कोनो फायदा नहीं खे। काहे रे? कहा बाबूजी आजकल हर गांव में चार चार गो दुकान हमार मतलब क्लिनिक खुल गए बा बाबूजी और कॉम्पिटिशन के कारण कोनो नहीं खे चलत। तो सरकारी अस्पताल में नौकरी करबे करे। ना बाबूजी ओकरो कहां चांस बा खाली MBBS के डिग्री होके तो अच्छा नौकरी भी ना मिलेला। अरे तो सरकारी नौकरी भी ना करबे प्राइवेट नौकरी भी ना करबे तो ते ही बता कि तोरी ज्यादा का बारे। हम विदेश जाए बाबूजी लंदन। कोनो जरूरत नहीं की तू कहां इतना दूर लंदन जीबा। ये कोने जमाने के बात करत रु माई हम अबे हवाई जहाज में बैठब तो 12 घंटा में लंदन।
हमरा बात के समझा बाबूजी। हर एमबीबीएस पढ़े वाला के एगो सपना होला कि ओकरा डिग्री के आगे एक विदेशी डिग्री लग जाए। वो बहुत भाग्यशाली होला बाबूजी जेकरा के मौका मिलेला, और हमरा के ते मौका मिला था तो तू लोग काहे हमार सपना तुरल चाहता रहा। तो हमनी के तो हा सपना तोड़े के चाहता नहीं जा। तो ठीक बा, हम तोहरा के भेजब लंदन। अरे कैसे बात करता नहीं जी, इतना दूर भेजब अपना बेटा के। एक तो पहले में एकरा पढ़ाई में इतना खर्चा हो गया बा, अब वहां के खर्चा कहां से लेब रहुआ। तू चिंता मत कर राम के भाई, पोस्ट ऑफिस में जितना पैसा बा हम सब निकाल ले। अरे जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टर भी बेच दे, पर एकरा के लंदन भेज के रहब। इला पूरा 2 लाख रुपये, हम ट्रैक्टर ले जाता नहीं। चला हो। हेला रोटी बेटा, रास्ता में खा लिया। तू काहे रोता रुमाई, हम को हमेशा कहते थोड़े जाता नहीं, बस पढ़ाई पूरा करके वापस आ जाए। बेटा हम वहां का कैसन कैसन कहानी सुन ले बानी। देख बेटा वहां शराब के हाथ भी मत लगे है। हमरा ऊपर भरोसा नहीं है कमाई, तले हम तोर कसम खाता नहीं कि शराब के कभी हम हाथ भी ना लगाए। एक और कसम को वहां को मेम साहब से कुजात में ब्याह ना कर। हम कसम खाता नहीं माई कि कोनो कुजात में ब्याह ना करब। This is the room. 300 पाउंड पर मंथ देना पड़ेगा। 300 पाउंड्स? यानी कि 21,000 रुपए? अबे ये इंडिया नहीं है, रुपए में मत गिन। और इससे सस्ता तुमको कहीं मिलेगा भी नहीं। 4 महीने का किराया एडवांस देना पड़ेगा, समझा कि नहीं समझा? 4 महीने? जल्दी बोल लड़के, रूम पसंद है कि नहीं? मेरी किट्टी पार्टी में जाने का टाइम हो रहा है। ओके ओके आंटी, इट्स ओके। और सुनो, खाना कमरे में नहीं बनाना, मैं तुम इंडियन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, बेडरूम को भी किचन बना देते। कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, नो आउटसाइडर्स एंड नो लेट कमिंग। और हाँ, घर के टेलीफोन को तुम हाथ भी नहीं लगाना, समझा बॉबी? ये लड़का कोई लफड़ा तो नहीं करेगा ना? अरे आंटी आप बेकार का टेंशन ले रही हो। अबे क्या कर रहा है तू? कर क्या रहा है तू? चल चल। व्हाट सोनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है घर के अंदर स्केटिंग मत किया कर। ओ मामा प्लीज डोंट स्टार्ट इट अगेन। यार इससे सस्ता तुमको कहीं नहीं मिलेगा, और तेरा कॉलेज भी तो पास में है, इतना टेंशन क्यों लेता है यार? मिसेज लीना की बेटी है यार, क्या चीज है, तेरी तो ऐश है। शट अप यार। ए बाबूजी, ए बाबूजी, माई माई। अरे काहे इतना चिल्लाता रे रे? का भाई? हाय देखा, सोहन भैया के पार्सल आइल बा। पार्सल? अरे तो देखत का बाड़े, खोल जल्दी खोल। खोला ता नहीं ना। खोल ला ता। अरे एमे तो चिट्ठियो बा। पढ़ पढ़ ना बेटा, पढ़ का लिखल बा। पूजनीय बाबूजी प्रणाम। हाँ। माई के चरण झुके प्रणाम। खुसरा खुसरा सोहन भैया। ओ खुसरा है। और किशन के प्यार। बाबूजी के मालूम कि हम यहाँ बढ़िया से सेटल हो गई बानी, पेइंग गेस्ट में कमरा भी मिल गई बा। बाबूजी तोरा खाती एगो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ठीक से पढ़ रहे कहता नहीं है जी, कहे मारा तारा दिमाग बढ़ के होला जी। इम्पोर्टेंट बंडी भेजा तनी। अरे आगे पढ़ना। और माई खाती चप्पल भेजा तनी। माई। अरे राम के भाई, तनिक पहन के दिखावा। अबक गंदा हो जाए, हमार बेटा भेज ले। ए माई। अरे ते कहे रुक गई रे, आगे पढ़।
बाबूजी प्रणाम, माई प्रणाम। अरे फिर वही जैसा पढ़ता रहे, अरे आगे पढ़ो। हाँ, और किशन के नया नया कपड़ा पहने के बहुत शौक। अरे अरे यही से कहता नहीं कि ठीक से पढ़ाई लिखाई कर कर ठीक से पढ़। शौक है ना, शौक शौक वही से ओकरा खातिर नया शर्ट और टोपी भेजा था नहीं। पहले पढ़, आगे पढ़। बाकी सब ठीक बा, हम एकदम कुशल से बानी। हमार पढ़ाई खत्म हो जाई तो हम तोहरा लगे चलब। अच्छा। तोहार आज्ञाकारी बेटा सोहान। अरे कहाँ जाता रे? जाता नहीं मेला। अरे मेला बाद में जाइए, पहले ये चिट्ठी दोबारा पढ़। एक एक चिट्ठिया कई बेर पढ़ी, कई बेर मेला जाए के बा, इम्पोर्टेंट काम बा। बहुत बदमाश लड़का है। ए चंदा, हाँ? सलमान के फोटो लेला। अरे हट, हमके तो अजय देवगन पसंद बा। भैया एगो अजय देवगन के फोटो दाता। ए चंदा, एगो हमरो फोटो लेला, का हम अजय देवगन से कम थोड़ी बनी। ईला आ गईले जोकर जैसे कपड़ा पहन के, अपना आप के अजय देवगन समझत आड़े। अरे एक बार आज माँ के ता देखा, अजय देवगन के बुला जेबू। छोड़ हमारा हाथ, एक बार धैले, हमारा हाथ छोड़। पहली बार धैले बनी, धैले रह। चुपचाप छोड़ दे। ए चंदा, बहुत हंसी मजाक हो गई। अब हम तोरा से बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात करेल बानी। हम भगवान के साक्षी मान के कहता नहीं कि हम तोरा से बेइंतहा मोहब्बत करीले। उठ, हमहु तारा से एगो सच सच बात कर देता नहीं। हंसी मजाक जब ले रहे तब ले ठीक रहे, ओकरा से आगे बढ़े की कोशिश मत कर। जाने तारा हमार पसंद का बा? हमार पसंद बा मोटर गाड़ी में घूमे वाला, अंग्रेजी बोले वाला जीवन साथी, अते ते बाड़े देहाती गवार लेगा। हमार सपना देखल छोड़ दा, तो हार हमार मिलन कबो नहीं किए हो सकत। नफरत के बासमुह में हुरलु ए धनिया, नफरत के बासमुह में हुरलु ए धनिया, सीसानी हन दिला हमर तुरलु ए धनिया, सीसानी हन दिला हमर तुरलु ए धनिया, नफरत के बासमुह में हुरलु ए धनिया, अरे सीसानी हन दिला हमर तुरलु ए धनिया, सीसानी हन दिला हमर तुरलु ए धनिया। बेचारा के खेलाना बनैलु, सारा आराम हमारा लात लतियाइलु। डाट तारू ऐसे काहे अखिया उलट के, कुकुर बनवलु भैनी घर के ना घाट के। किराले खा मुह धाई के तुरलु ए धनिया, किराले खा मुह धाई के तुरलु ए धनिया, असीसानी अन दिला हमर तुरलु ए धनिया, सीसानी अन दिला हमर तुरलु ए धनिया। पूछनी कि तोहा के बियाही के ले आई, हर साल लइका पलइका जनमाई। सपना के तूर दिहलु अइलु ननियारा, निमक मिर्चा डाल के छेवक दिहलु जियारा, बुलाला पे नगिन ले
ना दिला हमारा तुरालू में धनिया सीजनियो न दिला हमारा तुरालू में धनिया बकारे आय रे चंदा तू तो अंग्रेजी के किताब बन गेल बाड़ू निमंत लागेला लेके बुझाला ना का हो बनवारी भाई आज तो कमाल हो गई यार चंदा के सहेली आ गल बाड़ी सन बाकिर किसन के अता पता नहीं के तोनी के पता ना का का और काल मेला में चंदा जवन बेस्ती कैला किसनवा के अरे ओकरे बाद कहीं पड़ल होई गम में रम लड़ावत अच्छा अब एक बात बता बस चंदा से के करियारी किसनवा के कि बनवारी बनवारी हल्ला ए बनवारी भाई आ गईले हमनी के किसन कन्हैया का हो भैया दुनिया में एक से एक बेशरम देखनी भाई लेकिन एक किसनवा जितना बेशरम आदमी आज तक ना देखनी हम अरे काल मेला में चंदा इतना घनघोर बेइज्जती कैला से कर फिर भी ना सुधरल भाग भाग चौनार प्यार मोहब्बत में का इज्जत और का बेइज्जती रे सब जायज बा उम्मीद पर पूरा दुनिया कायम बा बेटा हाँ चंदा हाउ डू 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 कैसन बाड़ू यू कॉलेज गोइंग फाइन बाड़ू नू प्रभु हाय ओ हाय Have it. No thanks. What do you mean thanks? It's just a beer. तो क्या हुआ सोनी? मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया है कि शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सोहन, तुम हर बात के बीच में अपने माँबाप को क्यों ले आते हो? तुम नहीं समझोगी सोनी। मेरे माँबाप ने मेरे लिए जितना कुछ किया है, उस एहसान का बदला मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। Tell me something, सोहन। तुम अपनी पढ़ाई यहाँ पूरी करने के बाद में मेरे साथ रहना पसंद करोगे या अपने गाँव चले जाओगे? Of course, अपने गाँव चला जाऊंगा सोनी। What? मुझे छोड़कर? देखो सोनी, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो मेरी पसंद को कभी इनकार नहीं करेंगी। और शादी से पहले माँ बाप की परमिशन भी तो जरूरी होगी। फिर तुम भी चलोगी, हम दोनों वहाँ शादी कर लेंगे। ओह कम ऑन नाउ सोहन, मैं तुम्हारे साथ उस सड़ियल से गाँव में नहीं रह सकती। तो तुम्हें क्या लगता है सोनी, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगा? Why not? देखो सोनी, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे साथ मेरे गांव चलना होगा, उसी सड़ियल गांव में जहां मैं पैदा हुआ था। ओके? I know all these Indians. नैन मटका करना हो तो इन्हें गोरी मैम चाहिए, और शादी की बात करो तो मैं अपनी माँ से पूछूंगा। अब रो क्यों रही हो? जब मैंने मना किया था तो कह रही थी मम्मा वो मुझसे बहुत प्यार करता है, यही रहेगा, नौकरी करेगा और हमारे खर्चे उठाएगा। प्लीज मामा, कुछ करो, कैसे भी करके प्लीज सौ को रोक लो, प्लीज। अब तो उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, किसी भी तरह उसके माँ बाप के प्यार का भूत उसके दिलो दिमाग से उतर जाए।
कारे चुकना तोरा के नेवता मिलल के ना कैसन नेवता अरे छठियार के नेवता के कर छठियार अरे सूरज भांजी के नाती भइल बा सूरज भांजी के नाती हां राम के लइका भइल बा ए का हो इतना देर से तू हमरा बगल में बैठल बड़ा अब बतेबो ना कहला कि तोहरा पोता भइल बा इनका मालूम हो तब ना बताइए अरे सूरज भांजी ऐसे ही बड़का आदमी नइखन हो गइल अरे वो आदमी के चीने ले के बुलावे के लायक बा और के ना ई देखा हमरा के नेवता भेज ले बाड़े अरे तू देखा आंख फाड़ फाड़ के अरे कलहे का तारीख बा कैसा नालायक बेटा बा अपना बापो के ना पूछलस कहो रुका अरे जाय दे पोता भइल बा अब पूरा गांव में मिठाई बाटी है अरे इनका बहुत काम बा का माता जी बड़ा परेशान बानी बड़ा परेशान बानी अरे तू दादी बन गेलू राम के बेटा भइल बा अरे त एमे इतना खुशी है के कौन बात बा ई तो खुशी के बात बा जी खुशी के बात बा त जा रे जाके गांव भर में मिठाई बांटा अरे कल छठियार बा और हमरा के खबर नहीं खे हमरा के दूसर लोग से पता चलल बा कौन बात ना जी चल चल जाए पोता के मुंह देखे फिर चलावल जाई बा इतना बेइज्जती कम बा जो ओहिजा जाके अपन नाक कटाइबो कितना प्यारा बच्चा है बिल्कुल अपने मामा पे गया है अरे नहीं नहीं ये तो मेरे जैसा दिखता है ये तो बिल्कुल अपने नानी जैसा है नहीं नहीं ये तो बिल्कुल अपने नाना पे गया है इसकी नाक देखो बिल्कुल नाना जी जैसी है क्यों जी मैं ठीक कह रही हूँ ना नहीं ना ये नाना पे गया है और ना ही अपने नानी पे ये दादा पे गया है सर से लेके पैर तक पूरा का पूरा अपने दादा पे गया है पायल को देखो शादी के एक साल के अंदर बच्चा हो गया और सुजाता को देखो चार साल हो गए शादी को अभी तक बांझ की बांझ है लिपस्टिक लगा के मटक मटक के चलने से कुछ नहीं होता और राम को देखो पहले इनकी फैक्ट्री में नौकर था अब घर जमाई हो गया है उसका एक बच्चा भी है जो आगे चलकर इनके खानदान का वारिस होगा और सुजाता की हालत होगी कुत्तों जैसी अरे चंदा अच्छा भल के तुम मिल गेलू तोहरा के गो बात बतावे के बा का बात बतावे के बा बतावा ए साल अपना कॉलेज में इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन होता ना ओमे तोहर किशन भी भाग लेता रे किशन अरे वो तो अपना गाँव के सड़िया से कॉलेज में पढ़े ले तो का भइल वो अपना कॉलेज से जाता रे अरे हट वहाँ तो बड़का बड़का कॉलेज से एक से बढ़ के एक डांसर आवता और किशन के तो बैंडे बज जाए उनका कॉलेज के स्टैंडर्ड प्राइमरी स्कूल के स्टैंडर्ड से भी घटिया बा क्या कहलू हा कि हमारा कॉलेज के स्टैंडर्ड प्राइमरी स्कूल के स्टैंडर्ड से भी घटिया बा तेको बात जान लो ई कंपटीशन हम जीत के दिखाई अपने बलबूता पा और अपने दल बल के साथ अगर ना जीतनी तो हमार नाम किशन ना अंडरस्टैंड नया बेला के नया सिंह चल रे बेला डींगे डींग अब आपके सामने आ रहे हैं आज के आखिरी कॉम्पिटिटर राजकीय महाविद्यालय हथुआ के छात्र मिस्टर किशन हमारा कदम खेला तक खास से हो नहीं ना से
बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों आज के डांस कंपटीशन के विजेता हैं हथुआ के राजकीय महाविद्यालय के छात्र मिस्टर किशन और उनके साथी। गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो तो हर जोर। राम राम बनवारी। राम राम भैया। बनवारी भाई को बात बताई। हाँ बताओ बताओ बताओ। सुनो बो। हाँ सुनो बोल। पक्का? अरे पक्का रे। एकदम। अरे बोलते कान बोल। अरे कल है कॉलेज के स्टेज पर किसनवा एकदम गर्दा उड़ा। एक मिनट का कहले किसनवा गर्दा उड़ा दिलस। मतलब? अरे ऐसा डांस कैलस ना कि कॉलेज के जितना लड़की रही सन ओकरा पर फिदा फिदा एकदम फिदा एकदम कबत करता है। अरे ना ना ना। और जो चंदा एक मिनट चंदा का अरे ना सुन पाई ना सुन ले अरे माई के गिरिया सुन ले तो और गिरिया है भाई बोल अच्छा चल बता दे इके बर्दाश्त होई बता दे। अच्छा सुन ली चंदा जो रहे ना एकदम एक टक जे देखत रहे के करके किशन के हम ना मान सकीले गलत बात माई क्रिया बोलत है। माई क्रिया एक टक जे देखत रहे से देखते रह गए किशन के लट्टू हो गए लट्टू। झूठ बोला था। एक बात बताओ सर अगर चंदा किशनवा पे लट्टू हो गए रहत तक किसनवा पहले ही से यहाँ रहत ना ओकरा के लाइन मारे खाते बोलो क्या बात करता है मर्दवा। अब उनका लाइन मारे के का जरूरत बा यार कहे हा? अब तो दोनों के डायरेक्ट कनेक्शन हो गई होई। ए बनवारी भाई कुछ लौकत है का? अरे आज किशन पर नजर ना पड़ल तो चंदा के चेहरा के रंग उड़ल बा। देखो एकदम छटपटा तारी बहुत तड़पावले बड़ू चंदा हमके अब तड़पावे के बारी हमार बा। अरे बड़ा उम्मीद रहे चुलबुल भैया कि चंदा हमार होई पूरा गांव में। चुलबुल भैया पूरा गांव में भौकाल मचा देल रानी कि हम चंदा से ब्याह करब लेकिन ससुरा किसनवा अरे बिचवा में आके सारा मामला में पानी फेर दला सो। अरे यार बनवारी तू दारू पियला के बाद ना एकदम औरत नियन रोए लागे ले। और सुन एक बार हमसे कह के देख हम उठवा ले चंदा के। भैया यही खातिर तो तोर लोगन के इतना खियावत पियावत बाली हो। खियावत पियावत बाड़ा है खा खियावत पियावत बाड़ा है हाय हाय देसी दारू हाय भूजा। अरे यार हम तो हर इतना बड़ा काम करे वाला बानी अरे कादगो मुर्गा कटवावा। भैया इतना रात के मुर्गा कहाँ मिली? अरे पैसा निकाला ये मुर्गा का हम तो आदमी कटवा दे। हमार नाम चल बोल पांडे जनता बानी हम निकाला पैसा निकाला। अच्छा रुका ला 100 रुपया। 100 रुपया में का होई यार है? 1,000 रुपया था भैया पैसा नहीं खे पैसा खत्म नहीं खे ना पक्का ना भैया। अरे अरे धंधा का पैसा अरे कंथा चूड़ा का पैसा महाराज अरे छोड़ दो अरे 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 कंथा चूड़ा का पैसा दुकान का धंधा का पैसा महाराज। हाँ अले धर सुन भैया दुगो मुर्गा कटवा ली है और एक फुल बोतल अंग्रेजी दारू जो लेके आओ। चुलबुल भैया लागा तो तू हमार पान का दुकान बिकवा के रह बाबा। अरे रहे दा बनवारी अरे पान के दुकान तो सिर्फ दिखावा बा तुहार असली धंधा तुहार असली कमाई तो प्याज पे पैसा चलावल बा। ए तो अभी जा बड़े जो ज्यादा नहीं भैया ज्यादा ए सुन
सोन। हाँ भैया। एक पैकेट सिगरेट ले ले, ये पैसा बची तो। सिगरेट? हाँ। अरे यार पगलाइन बड़ा का पान बीड़े सिगरेट चाहत रहा था, हमरा से कहले होता दुकानिया से ले लिया होती, झूठा ही मैं पैसा मांग। अब बनवारी भाई, सिगरेट के बारे में छोड़ और चंदा के बारे में सोच। ए बनवारी देख देख देख, तोर चंदा आ गई। ए चुलबुल भाई, हमरा तो डर लगे भाई। अरे ऐसे डर में तो कैसे हुई? अब चंदा का सोची हमरा बारे में, सारा रेपुटेशन खराब हो जाए हमार, हम तो दारू पी के बोल देनी और तू लोग सही में उठा लिया ही ना। देखा वो क्यों वापस भेज दा। अरे चुप, ज्यादा नाटक ना कर बनवारी। अरे ई कुल चंदा कितना मेहनत से उठा के ले बड़ा सन, और तू हमनी के दोस्त देता रे? दोस्त में क्या देता नहीं, हम तो। अरे ले आवा ले आवा। हमरा के माफ करता चंदा, हमरा के माफ करता चंदा, तोरा प्यार के चक्कर में बहुत बड़ गलती हो गई हमरा से। अरे वारे बनवारी, लड़की उठावे खातिर तो बहुत फुदकत रहले हा, अब का भइल? अरे कहां घुस गेल तोर मर्दानगी? अरे जा जाके चूड़ी पहन ले। चंदा, ए चंदा, कहा हम तोरा से हाथ जोड़ के माफी मांगनी और ते हमरा के थप्पड़ मार देले? आज तो रू हाल करम ना कि केहू के मुंह दिखावा लायक ना रहबे। बताई हम बनवारी का बात। हमरा के बोल दे। अरे रुक कर। आज बताई। सामने से हमार दिमाग बहुत खराब आज। लड़की के पावे खाती देवे के परला जान, तोहरा बस के नहीं खे बेटा, जो बेच पान। चुप। ये ऐसे ना मानी। ए मारा करके, मारा करके, मार। चाप बजरंग कपाली। सुपर कारे मऊगा हवा चल गलिस ना ऊपर। ए भाई जल्दी उतार ना तो फाट जाए कुकर। देख भाई लड़की हंसती है, नीचे उतार नहीं तो इज्जत उतर जाए बाबा। अभी तो इज्जत उतरल बा बाबू, अब देख तोर काका उतरता। झुलुआ झुलाओ तारे कार है। अरे मुआ दे, अरे गोल पड़ा तारे नीचे।
अरे आ गाली था इहा चुलबुल पांडे के कतार अब तोर जिंदगी हो जाई बेकार। बेटा अब देख जलवा हमार। अरे फट गई। आज तो रखे छोड़ा ना चंदा। कहाँ के बाली हरे बहुत बीच में घुसा घुसी करता है। बहुत बेइज्जती कह लेते हमार छोड़ अब ना तोरा के बदला तलेब बाबू बदला तलेब। बाय।
माधवी पूरी बान हो रानी बना के रखा देखी सब जान हो प्यार में जिंदगी बहुत निहार ले बा डोली लेके आ जा डोली लेके आ जा दिल बा दुल्हा मान ले बा धनिया कनिया बनबू दिलवा दुल्ही नमा बनबू कनिया दिलवा दुल्हन माले ले बा इला काका तोहार चिट्ठी आइल बा लो दा तनिक पढ़ के सुनावा हो हाँ ए राम के माई काजी सोहन के चिट्ठी आइल बा हो जल्दी आवा आदरणीय बाबूजी प्रणाम और माई के चरण छू के प्रणाम और किसन खातिर ढेर सारा प्यार बाबूजी हम यहाँ एकदम कुशल मंगल से बानी और पढ़ाई भी एकदम ठीक चलता लेकिन बाबूजी पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम हो गई बा बाबूजी यहाँ लंदन खर्चा तू तो जनते बाड़ा और परीक्षा के फीस भी भरे के बाटे थोड़ा तकलीफ तो होई लेकिन कैसा हो करके 2 लाख रुपया के इंतजाम करके भेज दा बाकी सब ठीक बा तुहार आज्ञाकारी बेटा सोहन इलाका का हम चला तानी एकरा तो पैसा मंगवला से हम परेशान हो गइल बानी अरे हर महीना पैसा भेजा तानी तबो अब ई महीना 2 लाख रुपया मंगाता अब कहाँ से लाई हम अतला पैसा हम तो पहले वही कहले रहनी कि मत भेजियो करा के विदेश लेकिन रउआ मन्नी ना ओकरा पढ़ाई के चक्कर में पोस्ट ऑफिस के पैसा खत्म हो गल ट्रैक्टर बिका गल आपका खेत खरियान बेचब हाँ राम के माई अब ऐसे करे के पड़ी कैसन बात करता नी जी राउर दिमाग खराब हो गइल बका खेत खरियान बेचब अरे का जवाब दे पुरखन के त का करी ओकरा पढ़ाई के गढ़ा में डाल दी अब मुड़ी छिलाइए गेल बा तो चुरकी रख के का फायदा गोविंद जी नापी जोखी तो हो गई अब अपन देख ली अब देखे के का बा बनवारी हाँ काका पैसा अबे मिल जाए तो अच्छा रहे बेटा पैसा कहाँ भागल जाते हाँ। जमीनिया का रस्सी तो पहले करवा दा ना पैसा मिल जाए चलो चुलबुल हाँ तू तो बड़ा बढ़िया मजा ले रे बनवारी इतना बढ़िया जमीन तोरा तो औने पौने भाव में मिल गई तो खाली देखा तो चुलबुल पड़े एक किसानवा के पूरा परिवार के हाथ में कटोरा थमा के सड़की बना लिया धनी ना तो हमरो नाम बनवारी ना देखा सखी तीन पतिया नथिया शोभा बढ़ावे सिंगार के और बड़का शोरूम से लिहल हवे तोहफा दिहल हवे यार के पगड़ी उतार
के हमार सूती के हलो करिया बाती के नल हो भतार के हमार सूती के हलो करिया बाती के नल हो भतार के कॉलेज से अपने कमरे में होगा। ओके ठीक है, मैं उसको देके आती हूँ। ये क्या कर रही हो मामा? मामा कर क्या रही हो? मामा 2 लाख रुपए लगता है उसके बाप ने भेजे हैं। मामा कर क्या रही हो? मामा तुम्हें क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना सोहन कितने दिनों से पैसों का इंतजार कर रहा है। तुम ये चाहती हो ना कि सोहन अपने गांव वापस ना जाए, यहीं रहे? हाँ चाहती हूँ। तो फिर मैं जो करती हूँ वो चुपचाप करने दो। राम राम पोस्टमास्टर साहब। का हाल बा गोविंद भाई? अब का हाल बताई, यहाँ मर मर के लड़का के खेत बाड़ी बेच के पैसा भेजा था नहीं, और ये देखा सोहन चिट्ठी भेज ले बा, ओकरा के पैसे मिलबे ना कइल। गोविंद भाई हम तोरा चिट्ठी के पता लगाओ तनी। तोहरा पता लगावे तक तो लड़का के परीक्षा निकल जाये। हमरे भाग फूटल बा ससुरा। ए बनवारी, ई बुढ़ऊ खाली 3 बीघा जमीन छोड़ के अपन सब जमीन बेच देले रे। तो खाली देखत रह, वो 3 बीघावा भी हमरे ही पास आई। ए काका, हम 3 बीघावा काहे रखले बाड़ा? वो दे दो हमरा के। ए बेटा, इहे हाल रही तो एक दिन सब बिका जाई रे। सोहन प्रसाद 2 लाख रुपए इसके बाप ने फिर पैसे भेजे। एक्सक्यूज मी आंटी, मेरा कोई लेटर आया है क्या? नहीं तो क्या बताऊं आंटी, कल फीस भरने की लास्ट डेट है। मैं बाबूजी को लेटर पे लेटर भेज रहा हूँ और बाबूजी पैसे भेजना तो दूर, लेटर्स का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा जी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हें पैसे वैसे भेजेंगे। नहीं आंटी, मुझे लगता है बाबूजी जरूर किसी प्रॉब्लम में होंगे। तू अभी बच्चा है, तुझे नहीं पता कि ये दुनिया कितनी मतलबी है। कैसी बात कर रही है आंटी, आप मेरे माँ बाप को नहीं जानती। अच्छा तू एक बात बता दे जी, तेरे माँ बाप तुझे विदेश भेजने के लिए राजी थे? नहीं, लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, उन्हें ये डर लग रहा होगा कि पता नहीं तू गांव वापस आएगा या नहीं। पहले तो उन्हें सिर्फ डर था, लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया होगा। फिर वो तुझ पर पैसे क्यों लुटाएंगे? डोंट फॉरगेट माय चाइल्ड, जो पेड़ फल नहीं देता उसमें लोग पानी तक नहीं डालते। डोंट वरी बेटा, मैं तुझे पैसे दूंगी। तेरे बाप का पैसा आए या ना आए, तू एग्जाम जरूर देगा। ये ले, पी ले बेटा। देख बेटा, वहां शराब के हाथ भी मत लगी है। हमरा ऊपर भरोसा नहीं है कमाई तले, हम तोर कसम खाता नहीं कि शराब के कभी हम
हाथ भी ना लगाए। क्या सोच रहा है लेपी? कहो गिलराम के माई। हमार मन घबराता जी, हम बड़ा खराब सपना देखनी है। हमरा सोहन के बड़ी चिंता होता जी। अरे ये सोच सोच के तो हमरो नींद नहीं खिया आवत रे। पहले तो हर 15 दिन में चिट्ठी आ जात रहे, अब 6 महीना हो गए ओकर एको चिट्ठी के दर्शन नहीं किया। अरे वो एको दुगो और चिट्ठी भेज के देखी ना। अरे कतरा चिट्ठी लिखी, वो एको चिट्ठी के जवाब नहीं किया देत। राम के भाई हमरा ता बुझाता के ओकर लौटे के कहनो इरादा नहीं किए रे। कैसी बात करता नी जी, हमार मन कहता ना हमार सोहन जरूर लौटी है, जरूर लौटी है। तू कुछ भी कहला, हमरा ता इहे बुझाता हमारे एहू लइका हाथ से निकल गई। गौर कसम को वहां को नो मेम साहब से कुजात में बियाह ना कर ले। हम कसम खाता नहीं माई कि कोनो कुजात में बियाह ना करे। माई का हम तनी नेल पॉलिश ले ली, खत्म हो गई बा। जाऊन लेबे के बाद ले ले, बाकी जल्दी आई है, हम सब्जी लेके आ बतानी। ठीक बा? ठीक बा माई। का चाहिए तोरा के? एगो नेल पॉलिश दे दा, लाल रंग के। हाँ दे तानी। तोरा का चाहिए? हमरा के चूड़ी दे दा। तू पहरबा? तब के पहरी, हम ना पहरबता। तुहार साइज का बा? ना पले ता नहीं खी, लेकिन 9 इंच होई। हमरा लगे 9 इंच की चूड़ी नहीं खे। तब कौना इंच के बा? 2-6 के, 2-8 के मिली। तो 2-8 के दे दो, जोन सबसे बढ़न बा, 2-4-5 को कलर लेके आवो। ठीक बा। हाँ मैं, देर होता, घर चल। इला तो हर चूड़ी तू पहिर ला। मेरी प्यारी चंदा रानी, 3 बजे हम मंदिर में तहार इंतजार करब। अहिया 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 जरूर अहिया। अगर तू ना आइलू तो 3:30 बजे हम तोहरा घरे आ जाए। हे भगवान, और कुछ लफड़ा भइल तो बुझिया। अरे माई, माई का हम तनी मंदिर होके आ जाई। काहे उ काहे ना, हमार परीक्षा शुरू होके वाला बा। यही से ना, तू अकेले मत जा, कल हमरा साथे चलिए। थकल पानी
अपना दीवाना के शादी कल फिर छुई हाँ जनाना के का कहे छूने से करा तारू माना हो अभी लिखा जानी कोरा बाटे पाना हो तनिको तो बुझा परेशानी कब से रानी सहतानी जालू कहे हथवा छोड़ा के भाईल बाबूजी का रे भाऊजी सोहन भैया के चिट्ठी आइल बा हां तो जल्दी पढ़ना वो कब आवता लिखले होई आदरणीय बाबूजी प्रणाम और माई के चरण छू के प्रणाम खुश रह खुश रह सोहन भैया अरे वो खुश रह और किशन के प्यार पढ़ और किशन के प्यार पढ़ पढ़ बाबूजी तोरा जान के खुशी होई कि हम का भइल अरे का भइल ए किशनवा का रे बोल ना बाबूजी सोहन भी है शादी कर लेले और वो एगो बेटी के बाप भी बन गेले पढ़ और आगे पढ़ हम वो देखल चाहता नहीं क्यों और का कारनामा कइले बा तोहरा लोग इनके बहुत याद आता और माई के देखे के मन करत माई के भेज देता तो अपना पोती के देख ली माई के यहाँ आवे खाती 80,000 रुपया के ड्राफ्ट भेजा था और हमार फोन नंबर नीचे बा माई के आवे के खबर हमारा के दे दे तो हम माई के लेवे खाती एयरपोर्ट चले रउआ लोग इनके मझिला बेटा हेलो हु इज स्पीकिंग अरे अंग्रेज के औलाद हम तोहार बाप बोलतानी अरे बाबूजी प्रणाम चुप रह तोहार नौकरी लग गई तो हमार याद ना आई है तो ब्याह कर ले ले तो हमार याद ना आई अब जब लड़की भइल है तो हमार याद आ गई तू एक बात कान खोल के सुन ला हम तोहरा के ही बतावे खातिर फोन कहनी है कि तू एयरपोर्ट मत आई है हम तोहार माई के ना भेजब अरे ये तोहार नैहर मिसिल बेलवा नहीं खे उ लंदन बा लंदन तू वहाँ अकेले कैसे जाएबू ओ मैं का करे के बा अबे हवाई जहाज में बैठम अब 12 घंटा में लंदन अरे तू नहीं को बुझत पहले पासपोर्ट बनवावे के पड़ी ओकर बाद बस पकड़ के पटना जाए के पड़ी फिर पटना से रेलगाड़ी पकड़ के मुंबई जाए के पड़ी तब जाके मुंबई में जहाज मिली बैठे खातिर हम कुल बुझता नहीं रवत चाहते नहीं कि हम अपने पोते के मुंह देखी बड़का के भाई वहाँ ना जाए देनी अब मछला के बेल तू वो नहीं की जाए दे अरे तू कैसन बात करता रू जैसन हम अपना पोती के दुश्मन बानी अरे तोरा के कैसे समझाई के पोती के प्रेम के खातिर तोहार मती फिर गई बा हवा माई मम्मी ये मेरी माँ है हाँ हाँ ठीक है आ माई ये हमार सास हैं। कैसन भूतनी नियर लोकतिया। क्या बोला? कुछ ना। ठीक है आ जाओ। आवा मैं, आवा। Hi darling. Hi. सोनी, ये मेरी माँ है। Oh, hi. माई, ये तो हर बहू है। बहू? हाँ। लड़का से ब्याह कर बड़े करे अरे नहीं माई व्हाट इज शी से नथिंग डार्लिंग नथिंग कुछ भी नहीं ओके डार्लिंग आई एम गोइंग फॉर बास्केटबॉल मैच कैच यू लेटर और हां अपनी मामा को वो रूम दिखा देना प्लीज बाय बाय मामा चला माई तोरा के तोहर पोती से मिला होता नहीं
माई ये तोहर पोती। अरे वाह, अरे हमार रानी, अरे डोंट टच हर। सोहन, तुम अपनी माँ को समझा दो कि बच्ची को छूने से पहले हाथ तो धो ले। माई यू हम समझ गई नहीं, समझ गई नहीं बेटा, उतना लामे से आवता नहीं, हाथ गोड़े में तो दूर माटी लगले होगी, फिर इतना सुंदर बच्ची महिला हो जाए। हे बेटा, कहाँ हाथ गोड़ धोए के बाद, चला हमके बता दा। चला माई, हम तोरा के बाथरूम दिखा देता नहीं। अरे हमार बेटा। ए बुढ़िया, ये कुछ कपड़े हैं धो देना, वॉशिंग मशीन चलानी आती है तुम्हें? कौन मशीन? ओफो, अब लगता है इस इडियट को मुझे ही सारा काम सिखाना पड़ेगा। हेलो, तनिक सोहन से बात करवावा। सोहन तो अभी घर पर नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं? हम सोहन के फादर बोला तानी, सोहन के माई ना ना, सोहन के मम्मी बाड़ी का। वो भी घर पर नहीं है, तुम्हारा बेटा उसे घुमाने ले गया है। अच्छा 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 अच्छा, आप कौन बोला तारू? मैं सोनी की मम्मी बोल रही हूँ। अरे तू हमारे समदिन बोला तारू, कहो कहो। What समदिन? फोन रखो, बाय। हेलो हेलो, काट दे इसका। Yes, Kevin. Excuse me. That's what thank you. ए बुढ़िया रुक, इधर आ। कौन है यार ये, पहले तो नहीं देखा इसे। अरे नौकरानी है यार। ओ, नौकरानी? हाँ। कितने पैसे देते हो इसे? पैसे वैसे कुछ नहीं डार्लिंग। क्या? खाने कपड़े पे है। क्या बात कर रही है यार, लंदन में और फ्री की नौकरानी। अरे यार तू तो बड़ी लकी है यार। यार मुझे भी ऐसी नौकरानी दिला दे। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करूंगी मैं। अरे तू यहाँ क्या कर रही है, उधर जा। हेलो, अरे अरे जल्दी सोहन के माई से बात करावा हो, ढेर दिन हो गए बात कर ले। इधर राम के माई ऐसा आवाज लगाता। राम के माई? अरे तुरा कहा हो गया राम के माई? राम के माई, अरे तू बोलत कहा है नहीं खू? यू इडियट, फोन करना नहीं आता तो उठाती क्यों है? सारे ड्रिंक्स गिरा दिए, सारे ग्लास तोड़ दिए, जाहिल गंवार कहीं। अब इसे साफ कौन करेगा, तेरा बाप? चल साफ कर इसे। अब हमरा के सब समझ में आ गई कि राम के माई के अकेला काहे बुलावलस, अब हमरा के सब समझ में आ गई। लाखों का 2 लाख रुपया धरा, घरवा का कागज दे अपने। हाँ इला बेटा, घर के कागजात। बेटा तू हमरा के 2 साल के समय दे दा, हम रात दिन मेहनत करके तो हर पाई पाई चुका दे। ठीक, लेकिन एक बात याद रखिया काका, 2 साल में अगर पैसा ना लौटौला ना तो घरवा कब जिया ले बा। ए चचा, ये बतावा ये घरवा कहे गिरवी रखा तारा? लंदन, लंदन जाए खातिर। लंदन? लंदन कहे जाता रहा? पिछला जन्म में कौनो पाप कैले रहनी, उहे पाप धोवे खातिर जाता नहीं। बाबूजी, तोर माई कहुआ बाड़ी रे। बाबूजी, बाबूजी वो चल हट। कलावती, कहा रे सोना, जवान भाई तोरा के अपना कोख से जन्म देलस, वही के घर के नौकरानी बना देले।
बाबूजी तू हमरा के गलत समझता रहा। हम तो तुहर पोती के देखभाल करे खातिर माई के बोलोले रहनी बाबूजी। चुप रह, अब तू हमरा के सिखाइबे। अरे जो तोर माई तीन तीन लड़का के जन्म देके अकेला पाल पोस के सियान कैली। अरे कबू बुलावली अपना माई के, और ते एगो लड़की पैदा करके गांव से अपन माई के बुला के नौकरानी बना दे। अरे लड़का पाले पोसे के बेवत नहीं के तो पैदा कहाँ कर ले रे बाबूजी। मर गए ले तोर बाबूजी। चल जा अपन माई के सामान लेके आ। बाबूजी हमार बात तो सुन ली। ए चल तोर सामान कहाँ बा। चल चल बाबूजी अपन पोती के तो देख ली। चल हट रे। बाप कौन बेटा और के कर पोती। बेटा होला मूलधन पोता पोत ब्याज हो हर मजबूरी सब छूटत बाटे आज हो। एक बेर जे अपना माई बाप के भुलाइबा धरती त धरती नरक में ना जगह पाइबा। जन्मो जन्म नहीं माफी मिली आपके। जन्मो जन्म नहीं माफी मिली आपके। जन भुलई हो जन भुलई हो ए भाई माई बाप के। जन भुलई हो ए भाई माई बाप के। भौजी माई राधे कोनो जरूरत नहीं खे। चल भाग यहाँ से। ऐसे कहे बोलो तेरे बाबूजी। ज्यादा प्यार मत दिखावा बेटा तो हर लोगिन के नाटक हम अच्छा से जानता नहीं। अरे तो हर लोगिन जैसा नौला से था कुकुर पालल अच्छा बा। अरे कुकुर काटला के तो इलाज बा लेकिन तो हर लोगिन जैसा नौलाद के काटला के कोनो इलाज नहीं खे। माई बाबूजी ऐसे कहे बोला तारे। इतना तो कबो ना बोला रहे हैं। ये का हो गेल बा बाबूजी के। आखिर हमारे से कौन गलती हो गेल बा माई। इमे तो हर कोनो गलती नहीं के बेटा। दरअसल ही दोनों भाई का गुस्सा तोरा पर उतार तारे। एगो तो पहले ही हमनी के छोड़ के चल गेल रहे। ऊपर से लंदन में हमार दुर्गति देख के इनकर विश्वास उठ गई बा तू लोग पर से। इनकर के लगा था कि तू हमने के छोड़ के चल जाए बा। बाबूजी काहो कलावती देखा था नहीं तू जब से लंदन से आयल बाड़ू तो हर खांसी बढ़ते जाता है। का करे राम के बाबूजी ढलती उम्र में तो दुनिया भर के बीमारी लागल रहे। कैसन बात करता रु तू। तोरा के शहर के बड़हन डॉक्टर से दिखाए तो तोहर सब तबियत ठीक हो जाए। एगो बात पूछी जी। हाँ पूछा। पहले तो रउआ हमके राम का माई कह के बुलावत रहनी और आजकल हमार नाम लेके बुलावे नी। पहले तोहार औलाद रहले सन यही से तू केहू के माई रहलू। अब तू केहू के माई ना तू कलावती हो। हमार कलावती ननगल कोई देख है क्या ऐसे कामों के लिए तो आपके पास कुछ ज्यादा टाइम। मामी मामी मुझे कार्टून चैनल देखना है। मैं तो देखता नहीं है मैं सीरियल देख रही हूँ। चल भाग यहाँ से। नहीं मुझे तो कार्टून चैनल देखना ही।
नहीं है। कार्टून चैनल देखने है तुझे, तो जाके अपने बाप की शक्ल देख। भिखारी को घर क्या बुला लिया, मालिक ही बन बैठा है। भाभी आपको शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे से ऐसी बातें करते हुए? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को उल्टा सीधा बोलने की? तो इसमें मैंने गलत ही क्या कह दिया? उसकी शादी से पहले औकात क्या थी सारी दुनिया जानती है। जबान संभाल के बात करिए भाभी, आप मेरे पति की बेइज्जती कर रही हैं। बेइज्जती? बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और इतना ही इज्जत वाला होता ना इस ऐशो आराम को ठोकर मार देता, दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलता, समझी? शट अप भाभी। यू शट अप। यू इडियट। हां मम्मी। डॉक्टर साहब गोलू ठीक तो है ना? देखिए गोलू की हालत बहुत गंभीर है, उसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। उसका ब्लड ग्रुप है एबी नेगेटिव। आप लोगों में से किसी का ब्लड है एबी नेगेटिव? नहीं। देखिए दिक्कत यह है कि हमारे हॉस्पिटल में इस ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं है। आप कहीं से भी एक बोतल ब्लड का इंतजाम कीजिए, नहीं तो बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? आ बाबूजी के खून ए बी नेगेटिव है। बाबूजी, ए बाबूजी, रोड पोता के कपार फाड़ गिल बा, डॉक्टर कहता खून चढ़ावे के पड़ी, और ए बी नेगेटिव ग्रुप के खून कहीं नहीं के मिलत बाबूजी। तो हम का करी, जा जाके अपना ससुर के बोल। ए बाबूजी, राउर ब्लड के ग्रुप भी ए बी नेगेटिव बटे, अपना पोता के जान बचा ली बाबूजी। हमार पोता? अरे ऊ कब से हमार पोता हो गिल रे? कैसन बात करता नहीं बाबूजी, हम राउर बेटा ही तो ऊ राउर पोता भइल ना। अच्छा अच्छा, उहे ना जौना के छठियार के नेवता तू हमरा देवे के भुला गेल रहले। ते हमार बेटा होते ना तो तोर माई बाप जियता की मरता ते कर खबर रखते। अरे जा राम बाबू जा, गोविंद प्रसाद आजकल फोकट में काम कइल बंद कर देले बा। बाबूजी हमरा के माफ कर दी, हमार गलती के सजा अपना पोता के मत दी बाबूजी। ऐसन बात बा तो सुन, तोहार बेटा के खून देवे के खातिर हम 10,000 रुपया लेब नगद। रुका, पहले हमार पैसा दा फिर खून चढ़ैया। हमरा पोता के जिंदगी खातिर दुआ करा लो। दुनिया निहारे बगिया में हरियाली के, पर खेला त्याग के हुका है नहीं माली के। ओ, माई बाप के दिल जब तोह से दुखाई, तोहरो भी बेटा एक दिन तोह के रुआई। तहिया रहिया में चलबा मुँह ढाप के, तहिया रहिया में चलबा मुँह ढाप के। जन भुलैया जन भुलैया हे भाई माई बाप के, जन भुलैया हे भाई माई बाप के। सोनी सोनी सोनी। यस डार्लिंग। मेरे शेयर डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं यार, मिल नहीं रहे। मामा के ड्रॉअर में होंगे, देख लो। आ, 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 आ,
मामा, मामा। क्या है बेटा? मामा ये लेटर साहब के ड्रॉअर में कहां से आए? हाँ, मुझे क्या पता? सच सच बताइए मामा, ये लेटर साहब ने छुपाए थे ना वहां पर? What nonsense? मुझे क्या जरूरत पड़ी है तेरे बाप के लेटर छुपाने की? तो फिर आपको कैसे मालूम कि ये लेटर्स मेरे पिताजी के हैं? आपकी खामोशी साफ बता रही है कि ये लेटर्स आपने जानबूझकर छिपाए थे। ए, मेरे घर में रहके मुझे आंखें दिखा रहा है? मुझे ये फालतू के बकवास सुनने की आदत नहीं है। आप इसे फालतू बकवास कह रही हैं? इन चिट्ठियों से साफ जाहिर है कि कैसे पिताजी मुझे अपनी जमीन जायदाद बेच बेच कर पैसे भेजते रहे, और आप हैं कि इन चिट्ठियों को मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया ताकि मेरे और मेरे परिवार के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाए। आज आपकी वजह से मैंने अपने देवता जैसे माँ बाप को खो दिया, और आप इसे बकवास कह रही हैं? मेरी इस गलती के लिए शायद मेरे माँ बाप मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कितनी नीच और गिरी हुई हरकत की है आप लोगों ने। Stop it, Mr. Sohan. ये बात भूलो कि तुम मेरी मामा से बात कर रहे हो। अभी हमार जांगर चला था बेटा, तोहरा लोगिन के हमरा कौनो जरूरत नहीं है। चल हट यहाँ से, हट कहली ना। अरे हट की कहा तनी, हट। थे थर कहीं के अरे तोरा के हल ले आवे के हम कहनी हो करे। चल भाग यहां से, तोरा के कतरा बार समझावनी समझ में नहीं आवत करे। हट यहां से, रुक। मैं बहिर हो गई बारे, तोरा सुनात नहीं के करे। चल भाग। अरे माई रे, रो हट। अरे चल हट रे पंचुन हरा। अरे चल हट रे। ते हमरा के चैन से ना सुते देवे। अरे का करिए का? का करी रे कर, भाग यहां से। तो हम सीधा से काम करते नहीं तो तू कहे हमरा के ढेला मारता है? हम काम मरनी है। चुप रह भाग चोर हरा। किशन, हम के तरह से जरूरी बात करे के बा। किशन, कुछ दिन से हम देखा तानी तू हमरा से दूर दूर भागत आड़ा। अरे तरह की कुछ मालूम बा? हमरा घर में हमार शादी के तैयारी चलता। तई तू हमसे कहे के बोला तर? जहां तोहर शादी तय भइल बकाला। किशन, तू ही बात कहत अड़ा? हाँ हम कहा था नहीं, कैसे कि तुहार और हमार मिलन नहीं हो सकत। ऐसे कि तुहार बाऊजी और हमार बाऊजी जन्म जन्म के दुश्मन हलो, और हम अपने बाऊजी के अच्छी तरह से जानता नहीं। उमर जी हैं, लेकिन तुहार और हमार मिलन कब्बो ना हो खेती। किशन, तू हमके समझे के कोशिश कहने को करत? हमरा घर के हालत बहुत खराब बा,
राम भैया और सोहन भैया जब से घर छोड़ के गए बलो बाबूजी के दिल टूट गए बा। भले अब दुनिया इधर से उधर हो जाए तक कहा, लेकिन हम अपने बाबूजी के दिल नहीं तोड़ सकत। ऐसे तू हमके भूल जा चंदा। अरे ठीक से चला रहे, जल्दी जल्दी चल। अरे जोखना, एक घर में कौनो मरमुर गई करे, इतना सामान लात के जाता। कैसा बात करता रहा, बिया घर के मरनी घर बनाओ तारा। बिया केकर बिया रे? तोहरा मालूम नहीं खे ना, ओकर बेटी चंदा के बिया हा। कहा चंदा के बिया? पा लगी काका। अरे खुश रहा बबुआ, एने कैसे? अरे बस वो रामेश्वर बाणा के 2 लाख रुपया दबे के रहला तो अपन पैसवा मांगा गए नहीं तोरा से। हम तो तोरा से कहले रहने ना कि 2 साल में चुका देब कह के, लेकिन पैसा का जरूरत अभी बाना काका। लेकिन अभी तो हमरा लगे पैसा नहीं है बाबू। तो कौनो बात ना, अरे मकान खाली कर डालो, मकान बेच के हम अपन पैसा ले ले। बरुवारी हमरा पर भरोसा रखा, हम थोड़ा थोड़ा करके तोहार पाई पाई चुका दे। कहां से चुकाइबा काका हैं? तोहार दोनों बड़का बेटा तोहार मुंह पे थूक के चल गए लेसन। अब वो पैसा दिए ना है? अब रहल बात छोटका की किसनवा की, वो तो ससुरा एक नंबर के निकम्मा बा, कहां से दी? ए चुप रह लो, हमार किसन निकम्मा नहीं के। देख लिया एक दिन वो अपन खून पसीना एक करके अपने बाप का कर्जा जरूर चुकाई। चुप रह काकी तू तो। ए काका पैसा दे दे हमार सीधे सीधे, नहीं तो मकान जबरदस्ती खाली करवा ले हम। हाँ अरे ऐसे कैसे खाली करवा ले बा? बाप का राज है का? अरे बुढ़िया तू बीच में मत बोल। परिवार तुहार अपना हिम्मत बांध कर रखे। अरे गाड़ी में बांधा, गाड़ी में बांध कर रखे। अरे ये छोड़ा हम रखे। अब पता चली बनवारी के थप्पड़ मरले का अंजाम। ले चला के रखे, चल चुल बुल। अरे छोड़ा हम रखे। किसने के बाबूजी चोर चोर के रखे? चोर 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 बचा ले। अरे छोड़ा हमरी के रे। किधर के बाबूजी? रोक दे। छोड़ा आते। भाई मोर भाई मोर भाई। आजो आजो। किसान ला। हाँ सीधा सीधा। अरे छोड़ा हमरी के रे। बुढ़िया रोक दे। आजो आजो बुढ़िया। बचा ले। आज दौड़ मर जाई बचा ले बुढ़िया।
बाबूजी, 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 अरे कुछ ना होई, बाबूजी। अब तू लोग ना, अब हम आए तोहनी के पास। चंगा बेटी, लगता जहर खा ले बिया। जहर बेटी किशन बिया इलाज चला था। तुहार बेटा किशन बा इलाज चला था। सारा गांव में हल्ला हो गेल बारे कि किशन तुहार बेटी के चक्कर चला था। इस सुन के सारा बराती भाग गेलन सब। आ
चंदा के बाबूजी, चंदा के होश आ गइल बा। अच्छा? हाँ। किशन अरे हेने उन्हें कहा देखा तरु सूजा बेटी सूजा अरे सूजा ना अरे तोरा बुझात नहीं के कहा सूजा अरे सूजा ना सब ठीक हो जाए सुनिए ये दवाइयां ले आइए अरे सूजा ना धीरज धर इजी किशन के होश आ गए अच्छा हाँ चल हे भगवान अरे अरे बेटा ज्यादा उछल कूद मत कर बेटा सुत जा आराम कर बेटा सुत जा अरे सुधत काहे नहीं खेरे अरे रुवा काहे डटता नहीं हमरा लड़का के अरे डाटी ना तो का करी देखत नहीं खू एक तो चोट लागल बा और ऊपर से लड़की देखत आ पेट में लागल बा आंख में थोड़ी लागल बा अरे आंख बंद कर दोनों आंख बंद कर आ खोल बेटा दोनों आंख खोल का करता नहीं रुवा इतना सुंदर लड़की बिया जात बिरादरी का बिया देखी ना तो का करी अरे तै का सुनत रे तो का करी हमरा लग बात होता तो सुत अरे तू भी सुता अरे सुता तू सोचत होगा जवान आदमी कभू तोहर दुकान तरफ झांके खाते ना आइल वो आज कैसे आ गेल जाना तारा ए दुनिया में हमार एक एक औलाद बा हमार किसन वो हमार खुशी खातिर अपना सब सुख त्याग देलस और साबित कर देलस कि उहे हमार सच्चा औलाद बा अब हमार बारी बा अब हमरा के साबित करे के बा कि हम ओकर बाप हई ललन भाई हम अपना बेटा खातिर तोहर बेटी के हाथ मांगे आयल बनी अब तू चाहे हमार बेइज्जती करा पर ये रिश्ता मत ठुकरावा चंदा के माई हे चंदा के माई अरे हमार समधी आयल बाड़े अरे पानी आनी ले आवा अब ये समधी से गले मिला तानी तब ब्याह में का करब मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तरुणहरी वक्रतुण्डमाकाय गुरुकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा ना बाप की जिंदगी भर का कमाई तो ले लेला अब का ले आयल बड़ा लोग ये घर का सुख शांति और मान मर्यादा कुल तो पहलवे बेच के खा गए बड़ा लोग अब का बेचे आयल बड़ा कहीं तू लोग हमनी पर तरस खा के तो नहीं आयल तो एक बात कान खोल के सुन ला हम अपना छोट सा परिवार में बहुत खुश बानी इहु हो सकता कि तू लोग अपना गलती पर पछता के ये घर में वापस रहे खातिर आए लोकबा फिर से झगड़ा करे खातिर आए लोकबा अपना बाबूजी के दुख देके फिर से ये घर से वापस जाए खातिर आए लोकबा तो जा जो ने गाड़ी में बैठ के आए बड़ा लोग जा वही गाड़ी में बैठ के यहाँ से चल जा दीदी रहुआ लोग अंदर चली ना हम हाथ जोड़े तानी चली ना शायद रहुआ लोग माजी के बाद से डरा तानी
माजी रउआ लोग से नाराज नहीं की, अरे वो तो अपना बेटा लोग से नाराज बानी। उहां लोग के अंदर आवे से मना कहले बानी, रउआ लोग के ना। अरे रउआ लोग तो ये घर के बहु बानी, रउआ लोग के पूरा अधिकार बा ये घर पर। रउआ लोग के रोक सकता ये घर में अंदर आवे से? चली ना दीदी, आई ना, चली लोग दी हमरा के। ए बेटा आवा, आवा हमरा लगे, आवा बेटा आवा। चली ना दीदी आई। का तोहरा लोग इनके हाथ गोड़ जोड़ी तबे भीतर जाइबा। बाबूजी हमने के माफ कर दी, बाबूजी बाबूजी हमने के माफ कर दी, बाबूजी हमने के एहसास हो गए कि माँ बाप के चरण में ही दुनिया के हर धाम और स्वर्ग बा। हाँ बाबूजी, हमने के बुझा गए कि अपना परिवार से बढ़ के दुनिया में कौनो सुख ना होला। बाबूजी हमने के माफ कर दी, बाबूजी माफ कर दी। अरे किशन के माई, पूजा पाठ के तैयारी करा, हम लेकिन खातिर बड़ा कर लेके आवा तनी। पावन भतर कटन भतार के भसावा।